पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लघुद्योग भारती मुरादाबाद इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से मुलाकात कर मुरादाबाद उद्योग से संबंधित विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान लघुद्योग भारती की ओर से माननीय मंत्री महोदय से रोड टैप स्कीम के विषय में चर्चा की गई। साथ ही आयरन और स्टील को भी स्कीम में जोड़ने और दिए जाने वाले मूल्यों में वृद्धि की मांग की गई। मुरादाबाद निर्यातकों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया की मांग की गई। DGFT ऑफिस के पुनः आवंटन की भी मांग रखी गई। मुरादाबाद SEZ में रोड टैप और GST रिफंड की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में सामान की खरीदारी GST देकर SEZ में की जा रही है। इन सभी मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री वाणिज्य कर उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की अनुप्रिया पटेल से बातचीत की गई। इस दौरान सभी विषयों पर ध्यान पूर्वक संज्ञान लिया गया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में यह एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रतिनिधि मंडल में अजय शाह, रचित अग्रवाल, अमित अग्रवाल, हेमंत जुनेजा, शरद बंसल, अनुशेष सिंह, सचिन कपूर उपस्थित रहे। आज लघु उद्योग भारती मुरादाबाद का शिष्टमंडल दिल्ली में श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात की, जो कि हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। हमने उनसे रोड टैप से संबंधित दरों में संशोधन करने की उनसे प्रार्थना की। हमने उनसे जो कैपिंग उन्होंने MEIS पे 5,000 करोड़ की लगा रखी है उसको ख़त्म करने की मांग की, ताकि समस्त निर्यातक बंधुओं को MEIS लाइसेंस का फ़ायदा मिल सके। हमने SEZ में जो रोड टैप नहीं मिल रहा है और जो GST का भुगतान वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समस्त सप्लाई SEZ की डिलीवरी के अगेंस्ट नहीं हो पाती है, तो ये हमने उनसे निवेदन किया। उन्होंने बहुत सहयोग पूर्ण और बहुत अच्छे माहौल में उनसे बातचीत हुई और उन्होंने पूरे सहयोग का वायदा किया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।